अगर हमारा किचन स्मॉल है और स्टोरेज का प्रॉब्लम है, अगर स्मॉल नहीं भी है देन ऑल्सो वी यूज टू बाय सम ऑर्गेनाइजर टू ऑर्गेनाइज अवर किचन फंक्शनली। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बाय मिस्टेक हम गलत ऑर्गेनाइज़र ले लेते हैं। तो आज मैं आप लोग के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, जो जो मैंने गलत ऑर्गेनाइजर्स दिया है या कोई गलत प्रोडक्ट्स लिया है, वो सारा आज मैं आपको एकदम ऑनेस्ट रिव्यू देने वाली हूँ। तो बने रहिएगा लास्ट तक। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हम सब अपने किचन को ऑर्गेनाइज करने के लिए लेजी सुजन यूज़ करते हैं। लेजी सुजन बहुत ही एफिशिएंट और फंक्शनल होता है कोई भी चीज़ को इजीली एक्सेस करने के लिए। लेकिन एक लेजी सुजन है जो मुझे काफ़ी परेशान उसने किया, जो दिखने में बहुत अच्छा है, वो है ये वुडन का लेजी सुजन। दिखने में इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल और बहुत एफिशिएंट भी लगता है, फंक्शनल भी लगता है। लेकिन मैं आपको आज इसका ड्रॉबैक बताती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने टी और इसका कॉफ़ी का कंटेनर रखा हुआ, और देखिए एक साइड में जब भार ज़्यादा हो गया तो ये इम्बैलेंस होके दूसरे साइड की चीज़ें गिर जाती हैं। तो इसमें यही एक प्रॉब्लम है, अगर मैं कोई चीज़ सामने से उठाऊंगी तो पीछे की चीज़ें इम्बैलेंस होके गिर जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ये वाले लेजी सुजन का। कभी भी आप इस पर मत लीजिए, मत इन्वेस्ट कीजिए। उसके बदले आप इस तरह के वेरी स्टडी और लेजी सुजन को आप ले सकते हैं। ये अमेज़ॉन से मैंने लिया था, ये बहुत ही फंक्शनल और स्टडी है। ओवर द डोर कैबिनेट ऑर्गेनाइज़र की मैं अगर बात करूं तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे इसको बंद करने की कोशिश करूंगी, सामान अंदर रखा है तो ये बिल्कुल भी क्लोज नहीं हो पाता है। अगर मैं सामान यहाँ से हटा दूँ तब जाके ये मेरा कैबिनेट डोर क्लोज होगा। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी इसे यूज़ नहीं कर पाती हूँ। इनकेस अगर मैं इसे बाहर भी कैबिनेट के बाहर भी रखूँ तो हैंडल के कारण भी ये ठीक तरह से मैं इसे यूटिलाइज़ नहीं कर पाती। नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र जो मैं दिखा रही हूँ, वैसे तो ये बहुत यूज़फुल है अगर आप स्मॉल कप्स के लिए लेना चाहें, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है। अगर आप इसे ले रहे हैं अपने बड़े कॉफ़ी मग या बड़े कप्स के लिए, तो इसको आप ठीक से यूटिलाइज़ नहीं कर पाएंगे। ऑल्टरनेट हुक यूज़ करके ही आप अपने कप या मग को हैंग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो तो आप बिल्कुल भी मत लीजिएगा। इसका रिज़ल्ट मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये एक सिंक ऑर्गेनाइज़र है जिसे हम टैप में लगाते हैं। कुछ दिन यूज़ करने के बाद देखिए इसकी क्या हालत हुई है। ये हालत स्टार्ट हो गया था रस्टिंग इसका, एक दो दिन में ही इसमें थोड़ा थोड़ा सा रस्टिंग स्टार्ट हो चुका था। लेकिन मैंने इसे क्लीन करने की कोशिश की लेकिन ये फिर से वापस आ गया। तो देखिए इसकी हालत ये हो रही है। अगर आप सोच रहे हो कि सिंक ऑर्गेनाइज़र लेने के लिए, तो इसे बिल्कुल भी मत लीजिएगा, एकदम वेस्ट ऑफ मनी है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र जो मुझे ठीक नहीं लगा वो है ये डबल रैक एक्सपेंडेबल ऑर्गेनाइज़र। तो इसमें इस तरह से ये निकल जाता है, हम अपने जहाँ भी रखना चाहें उसके साइज़ के अकॉर्डिंगली इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। इसमें अगर हम हैवी सामान रखें तो ये बिल्कुल हिलता रहता है। और देखिए, जब मैं हम इसे एक्सपेंड करेंगे यहाँ से तो ये पूरा की पूरा निकल जाता है बाहर। तो ये प्रोडक्ट भी मुझे ठीक नहीं लगा, और इसे मैं यूटिलाइज़ मुझे करना ही था, ले ली थी तो इसे मैं अपने अंडा सिंक में यूज़ कर लेती हूँ। अब देखिए, ये है फ्रिज ऑर्गेनाइज़र। आप में से काफ़ी लोग यूज़ करते होंगे इसे। हम शेल्फ़ में लगाते हैं फ्रिज के। वैसे तो ये यूज़फुल है छोटी छोटी चीज़ों को रखने के लिए, लाइक मिर्ची वगैरह हम रख लिए, थोड़ी सी अगर हमें डेली यूज़ के लिए चाहिए या नींबू चाहिए या अदरक चाहिए, तो इस तरह से हम इसको लगा सकते हैं शेल्फ़ के अंदर। लेकिन कभी कभी दिक्कत ये होती है कि अगर हमें बड़ी डेगची रखनी हो तो इसे हमें निकालना पड़ता है। तो अगर बड़ी डेगची रखनी है, इसमें शेल्फ़ अगर फ्रिज में लगा रहा है तो हम डेगची आसानी से नहीं निकाल पाते, तो ये सारी दिक्कत छोटी फ्रिज में आ सकती है। ये एक कॉर्नर शेल्फ है, लेकिन हम इसका यूटिलाइज सिर्फ कॉर्नर में ही रखने के लिए कर सकते हैं। अगर आप काउंटर टॉप के दूसरे जगह में या कैबिनेट के अंदर रखना चाहेंगे तो ये बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है, और इसके नीचे में जो स्पेस दिया हुआ है वो भी सही तरीके से यूज़ नहीं होता। मैंने इसे पटा बेलन रखने के लिए लिया था, लेकिन पटा रखने के लिए मुझे इसका इस रैक को उठाना पड़ता है।
Rather, you can buy this type of a rack for your organization. If you are looking for a good and reasonable organizer, you can check Mera Link by Bulbul Shopping website. You may order many products and organizers from Mera Link by Bulbul Shop. You will get cash on delivery, free delivery and easy return policy. You can order and ask your question on WhatsApp number given on screen. Download Bulbul app for hassle-free shopping. Link is in description. आप कभी भी सेरेमिक ऑयल डिस्पेंसर मत लीजिए। एक तो ये बहुत हैवी होता है और दूसरा इसका जो माउथ होता है वो बहुत छोटा होता है। इसमें ऑयल को डालना और इस बॉटल को क्लीन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है और ये बिल्कुल भी ठीक से क्लोज नहीं होता तो पूरा डस्ट अंदर जाता है, तो ये एकदम वेस्ट ऑफ मनी है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है टोंग। बीच में ये काफ़ी फेमस हुआ था तो मैंने भी इसे लिया था, लेकिन अगर आप कुछ चीज़ फ्राई कर रहे हो तो एक एक चीज़ ही ये आपका निकाल पाएगा और इसे यूज़ करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है क्योंकि इसे प्रेस करना पड़ता है और ये काफ़ी हैवी भी है तो मुझे ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ वो है ये प्लास्टिक के कंटेनर्स। दिखने में दे आर सो ब्यूटिफुल और अगर आप प्रोडक्ट लेने के लिए जाएंगे तो वहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको एयर टाइट ही दिखाएगा। ये एयर टाइट ही है बट इसका एयर टाइट बिल्कुल भी काम नहीं करता है। अगर आप कुछ चीज़ इसमें रख रहे हैं लाइक बिस्किट एंड ऑल तो आप विंटर्स में रखेंगे तो नो प्रॉब्लम, बट अगर आप इसे रेनी सीजन में मानसून में अगर आप बिस्किट रखेंगे तो आपकी बिस्किट बिल्कुल भी सेफ नहीं है, वो एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। ये एयर टाइट बिल्कुल भी काम नहीं करता है रेनी सीजन में। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ, मैंने देखा है कि काफ़ी लोगों ने इसका रिव्यू दिया है और उन्होंने जो भी रिव्यू दिया है वो एकदम करेक्ट दिया है, लेकिन मैं इसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड करना चाहती हूँ। जैसे कि ये ब्रश है, अगर आप हाथ से धोते हैं अपने डिशेस को तो इसे वॉश करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। और दूसरी बात ये है कि जैसे रेनी सीजन में हमारी किचन में चींटियाँ काफ़ी अटैक करती हैं तो मैंने इसमें घी रखा हुआ था रेनी सीज़न में और गर्मियों में, तो इसके अंदर पूरी चींटियाँ चले गई थी। ये बिल्कुल भी एयर टाइट नहीं है, इसके अंदर पूरा डस्ट चले जाता है और चींटियाँ बहुत सारी हो जाती है एट द टाइम ऑफ रेनी सीज़न और गर्मी के समय। अदरवाइज़ अगर आप लुक वाइज देखेंगे तो दे आर ब्यूटिफुल एंड क्यूट। नेक्स्ट प्रोडक्ट भी बहुत सारे लोगों ने इसका रिव्यू किया है, जैसे कि इसमें हल्दी के दाग लग जाते हैं, वो ठीक से वॉश नहीं हो पाता और ये वुड के कारण ये एक्सपेंड हो जाता है। लेकिन मेरे साथ दिक्कत ये तो हुई है कि एक्सपेंड हुआ है और हल्दी के दाग नहीं जाते हैं, और दूसरी चीज़ ये कि इसका लॉक जो सिस्टम है ये दूसरे तीसरे दिन ही ख़राब हो चुका था। इसका लॉक बिल्कुल भी ख़राब हो गया, काम नहीं कर रहा है, ये ओपन रहता है और इसमें डस्ट बैठ गया है, तो ये बिल्कुल भी वर्थ बाइंग नहीं है। सो आई होप माई ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ ऑल दिस प्रोडक्ट्स विल बी हेल्पफुल फॉर यू इफ यू वॉन्ट टू बाय एनी ऑफ दिस प्रोडक्ट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर।